एग्जाम के बीच में कैसे पढ़ें। हाँ दोस्तों, दो पेपरों के अंतराल में, दो पेपरों के गैप में कैसे पढ़ें, कैसे अच्छा स्कोर करें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें, और कैसे दोस्तों इस जो समय आपको मिलेगा, जो आपके पास समय है, दो पेपरों के बीच में अंतर है, दो पेपरों के बीच में गैप है, उसका सदुपयोग कैसे करें, आज दोस्तों हम इन्हीं सब विषय पर आपसे बात करने वाले हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल APN क्लासेस में, और मैं आपका मित्र उज्जवल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अहम वीडियो में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि एग्जामिनेशन के गैप में कैसे पढ़ें। देखिए दोस्तों, आप सभी के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं, आप सभी अपने अपने पेपर दे चुके होंगे, पहला पेपर आप लगभग अपना दे रहे होंगे, या कुछ समय पश्चात आपका पहला पेपर स्टार्ट होने वाला होगा। उसके बीच में दोस्तों आपके पास समय सारिणी आपकी दी हुई है, आपके पास टाइम टेबल भी आया हुआ है, आप देख रहे होंगे दोस्तों कि आपके पेपर्स के बीच में कितना गैप है, किसी पेपर के बीच में एक दिन गैप है, किसी में दो दिन गैप है, किसी में तीन दिन, चार दिन, पांच दिन, हाँ दोस्तों हो सकता हो इससे ज्यादा भी हो, छह सात आठ दिन का भी आपको गैप मिला हो। इस बार दोस्तों सभी बोर्ड्स लगभग गैप दे रहे हैं ताकि अपनी तैयारी को धार दे पाए, तैयारी को अच्छा कर पाए और अच्छे से अच्छे अंक ले पाए। हाँ दोस्तों, तो आज हम आपसे यही बात करने वाले हैं कि आपको दो पेपरों के अंतराल में कैसे पढ़ना है, कैसे आपको अच्छी पढ़ाई करनी है और ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है। दोस्तों इस पर चलने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपके पेपर में ज्यादा गैप होता है, अगर आपके पेपर में लंबा अंतराल का गैप होता है, तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, ऐसा दोस्तों होता है हम कम पढ़ाई करते हैं। हाँ दोस्तों, हम कम पढ़ पाते हैं, हमको ऐसा लगता है ज्यादा गैप है तो मैं आज पढ़ लूंगा, कल पढ़ लूंगा, मैं परसों पढ़ लूंगा। तो बिल्कुल जैसे ही अगर हमारे पास सात आठ दिन का गैप होता है, पांच छह दिन का गैप होता है, तो हम थोड़े रिलैक्सेशन मोड में चले जाते हैं। अब दोस्तों जाते कैसे हैं ये देख लीजिए, जब हम परीक्षा देकर के आते हैं अपने पेपर की, जिस दिन हमारा पेपर रहता है उसके उस दिन जब हम आते हैं शाम को, तो हम कोई भी पढ़ाई नहीं करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि अभी तो गैप है, मैं कल से स्टार्ट करूंगा। तो दोस्तों आपको इसी चीज से बचना है, यही चीज आपको नहीं करनी है। आप जब आए एक दो घंटे का रेस्ट लें, हल्का सा आराम करें और उस पेपर को ना मिलाएं जो आप दे चुके हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप उस पेपर को मिलाएंगे, अगर आपका पेपर अच्छा गया है तब तो ठीक ठीक हाँ दोस्तों, अगर आपका पेपर आपके अपेक्षा अनुसार नहीं गया, आपका अपेक्षित परिणाम आने का संभावना नहीं है, तो आप उस पेपर को ना मिलाएं, क्योंकि दोस्तों वो आपके अगले पेपर को अफेक्ट कर देगा, आपका आत्मविश्वास कम हो जाएगा। इस चीज से आपको बचना है दोस्तों, यही चीज आपको नहीं करनी है। हाँ दोस्तों, और मैं आपको बता दूं आपको क्या करना है, कैसे आपको पढ़ना है। देखिए दोस्तों, जब भी आप मान लीजिए आपके पास एक से दो दिन का गैप है, अगर तो मान लीजिए आपका जो आधा दिन ये बचेगा, जो आप पेपर देके आओगे आपके पास लगभग हाफ डे बचेगा, और मान लीजिए दो दिन का गैप है तो आपके पास केवल ढाई दिन का गैप है, मान लीजिए दो दिन मैं मानता हूं। तो दोस्तों उस समय में आपको क्या करना है, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, हाँ दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर को केवल सॉल्व करिएगा आप, क्योंकि रिवाइज नहीं कर पाएंगे, बहुत कम समय आपके पास होगा तो आप पूरी बुक को रिवाइज नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने मत जाइएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसा करने से आपका ही नुकसान है। हाँ, इसमें आप ये जरूर करिएगा कि आपके पास अगर पांच वर्षों के अगर आपके पास प्रश्न पत्र होंगे तो उनको जरूर हल करिएगा दोस्तों। उसको करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप एग्जाम दे रहे हो, आप दोस्तों एग्जाम के माहौल में ढल जाओगे बिल्कुल। और अगर दोस्तों आपका गैप इससे ज्यादा है, अगर मान लीजिए आपका तीन से चार दिन का, पांच से छह दिन का गैप है, तो आप चैप्टर्स को डिवाइड करिए कि मेरे पास कितने चैप्टर, जैसे मान लीजिए दोस्तों आपके पास अगर 15 चैप्टर है, तो आप ऐसा करिए, ये मत करिएगा कि मैं एक दिन में ऐसा इतने चैप्टर पढ़ूंगा, ऐसा नहीं करना आपको, आपको कंप्लीट रिवीजन करते चले जाना। जैसे मान लीजिए आपके पास 15 चैप्टर है, तो आप पांच पांच में उसको डिवाइड करिए, मैं अगर मेरे पास पांच दिन का गैप है तो मैं तीन दिन, शुरुआत के तीन दिन में पांच पांच चैप्टर को डिवाइड करूंगा एक दिन में। हाँ दोस्तों, एक दिन में मैं पांच चैप्टर, अगले दिन पांच चैप्टर, तीसरे दिन पांच चैप्टर, और दो दिनों में मैं सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करूंगा। इससे क्या होगा, मेरी प्रैक्टिस बढ़ेगी, मुझे क्वेश्चंस का पैटर्न पता चलता जाएगा, और मैं परीक्षा के माहौल में परीक्षा के प्रश्न पत्र से डरूंगा नहीं कि परीक्षा में क्या होगा, कैसे प्रश्न आएंगे, क्योंकि दोस्तों विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र होते हैं वो आपको ये बता देते हैं कि परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो आपके टीचर्स ने आपको इम्पोर्टेंट बताया था, क्योंकि देखिए दोस्तों टीचर के पास बहुत अनुभव है, आपके जैसे कितने बैचेस को उसने पढ़ाया है, किसी के पास 20 साल का, किसी के पास 25 साल का, किसी के पास 30 साल का, तो दोस्तों वो हर साल बोर्ड के पेपर को देख रहा है, एनालाइज कर रहा है, तो उसको ज्यादा पता है कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपके टीचर्स ने भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए होंगे। अगर आपके पास समय बहुत कम है तो जो आपके टीचर्स ने कहा है, जो आपको लग रहा है कि अभी ये इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर पढ़ेगा दोस्तों, और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन इस समय का सदुपयोग बहुत अच्छे से करिएगा, इसमें आप दोस्तों अपने जो जितने भी इधर उधर के कार्य हैं उनको ना करते हुए केवल अपनी परीक्षा के पेपर पर, अपने प्रश्न पत्र पर ध्यान दीजिए कि मेरा अगला टारगेट ये है तो मुझे ये काम करना है, और डिवीजन जरूर करिएगा जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना दिन पढ़ना है, कितना चैप्टर्स पढ़ना है। क्योंकि दोस्तों देखिए, जब लंबा गैप होता है, तो जैसे मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं, जैसे दोस्तों हम लोग जब पढ़ते थे तो मैथमेटिक्स के बाद हमारा जो ऑप्शनल पेपर था उसमें बहुत ज्यादा गैप था, तो दोस्तों हमने क्या किया कि अब हमने सोचा कि 14-15 दिन हमको गैप मिल गया है तो हम आज पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे। उसमें दोस्तों हुआ क्या कि एग्जामिनेशन के दो दिन पहले ही हमने पढ़ाई करी,
तो बिल्कुल उस चीज से आप बचिएगा। अगर आपके पास लंबा गैप आपको मिल रहा है तो आप उसका यूटिलाइज करिए, उसका सदुपयोग करिए दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप रिलैक्सेशन मोड में चले गए, उस चीज को ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप रिलैक्स मोड में चले गए कि आज पढ़ूंगा कल पढ़ूंगा, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आप पूरे पेपर को रिवाइज नहीं कर पाएंगे, तो इन चीजों से बचिएगा। और अगर दोस्तों आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी डाउट है, तो आपको मैं यहाँ एक इंटरेस्टिंग ऐप के बारे में बता दूं, आपकी सहायता जरूर करेगा दोस्तों। ये ऐप डाउटनेट नाम का दोस्तों ये ऐप है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिए। इसमें दोस्तों आपको करना क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में आपको जो भी डाउट होगा आप इसमें अपने क्वेश्चन की फोटो अपलोड करके खींच करके अपलोड करिए, आपको डाउटनेट एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।